दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्कैबी गार्ड लोशन की जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे स्कैबी गार्ड लोशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, और इसे लगाने का सही तरीका क्या है, और इसे लगाने पर हमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं स्कैबी गार्ड लोशन आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। स्कैबी गार्ड लोशन लगाने से पहले, यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई दवा, कोई मेडिसिन यूज़ करते हो तो ये आपका या आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। स्कैबी गार्ड लोशन की जानकारी के लिए इसके इंग्रेडिएंट की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट है, गामा बेंजीन, हेक्सा क्लोराइड और सेट्रीमाइड। आइए सबसे पहले बात करते हैं गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के बारे में। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एक ऐसा दवा है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे लिंडेन, गामा लिन, गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन, गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जैसे कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। ये स्कैबीज और चूहों को मारने के लिए इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये त्वचा में, स्किन में होने वाले स्कैबीज की वजह से होने वाली खुजली को ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये खाज वाली खुजली के उपचार के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये पुराने से पुराने स्कैबीज को भी ख़त्म करने में कारगर है। ये स्कैबीज को बढ़ने से रोकता है और स्कैबीज के अंडे को भी ख़त्म करता है। दोस्तों, स्कैबीज के बारे में बता दूँ, स्कैबीज एक ऐसा कीटाणु है, एक ऐसा परजीवी होता है जो काफ़ी तेज़ी से शरीर में बढ़ता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्किन में खुजली, इचिंग जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम और रैशेज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आइए इसके बाद जानते हैं सेट्रीमाइड के बारे में। दोस्तों, सेट्रीमाइड जो एक एंटीसेप्टिक है, जो घाव और ज़ख्म को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कीटाणु को मारता है और ज़ख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। ये स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, छोटे मोटे घाव ज़ख्म को जल्दी भरने के लिए, या सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद स्टिचिंग जैसी जगह पर अच्छे से साफ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कीटाणुओं की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में या इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह स्किन के मामूली और छोटे मोटे घाव को बहुत अच्छे से ठीक करता है और बहुत अच्छे से ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्कैबी गार्ड लोशन कब इस्तेमाल में ले सकते हैं आप। दोस्तों, स्कैबी गार्ड लोशन खुजली वाली जगह या खुजली या फफूंद जैसे अगर शरीर में हो जाता है या कहीं किसी एरिया में या प्राइवेट पार्ट में खुजली होना या खाज या रिंग वर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसे लगाने का तरीका जाने तो इसे गर्दन से नीचे पूरे शरीर में आप लगा सकते हैं। रोज़ाना रात में लगाकर सुबह इससे नहा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गर्दन से नीचे ही लगाएं और बाहरी उपयोग के लिए ही है ये। दोस्तों, इसमें मौजूद गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और सेट्रीमाइड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बना है स्कैबी गार्ड लोशन, जो एक अच्छी दवा के रूप में काम करता है। ध्यान रहे दोस्तों कि स्कैबी गार्ड लोशन बाहरी उपयोग के लिए है, इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और स्कैबी गार्ड लोशन बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करने पर आपको कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे आपका स्किन अगर सेंसिटिविटी है तो इसके एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको स्कैबी गार्ड लोशन की जानकारी दी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।